ब्यूनस आयर्स ने फ्रांस से माफी मांगी क्योंकि अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति ने यूरोपीय देश को औपनिवेशिक और उसके लोगों को पाखंडी कहा था। यह विवाद अर्जेंटीनी फुटबॉलरों द्वारा कथित नस्लवादी नारों पर हुआ। राष्ट्रपति जेवियर माइलई के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने फ्रेंच दूतावास में एक वरिष्ठ अधिकारी को यह समझाने के लिए भेजा कि विक्टोरिया विलारुएल का गुस्से भरा बयान उनकी व्यक्तिगत क्षमता में था। फीफा ने अर्जेंटीना के खिलाड़ियों द्वारा गाए गए नारों की जांच की घोषणा की है, जिसमें चेल्सी और अर्जेंटीना के मिडफील्डर एंजो फर्नांडीज 23 भी शामिल हैं, जिन्होंने कोपा अमेरिका जीतने के बाद ये नारे लगाए थे। ये नारे रविवार को मियामी में कोपा जीत के बाद टीम बस से फर्नांडीज द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक लाइव वीडियो में सुने गए थे। इस गाने में फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे सहित अन्य लोगों को निशाना बनाया गया है और इसमें नस्लवादी और समलैंगिक विरोधी अपशब्द शामिल हैं। फर्नांडीज ने माफी मांगी है, लेकिन चेल्सी ने उनके खिलाफ एक आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू की है। फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन FFF ने फीफा से शिकायत की है। बुधवार को विलारुएल ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर फर्नांडीज का समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, कोई भी औपनिवेशिक देश हमें स्टेडियम के नारे या उन सच्चाइयों के लिए डराने धमकाने वाला नहीं है जिन्हें वे स्वीकार नहीं करना चाहते। पाखंडियों, बनावटी आक्रोश बंद करो। ये कूटनीतिक घटना माइलई के पेरिस यात्रा करने और ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेने से कुछ दिन पहले हुई। राष्ट्रपति के प्रवक्ता मैनुअल अदौर्नी ने शुक्रवार को कहा, फ्रांस के साथ कूटनीतिक संबंध बरकरार हैं। इस सप्ताह अर्जेंटीना के खेल के उप सचिव जूलियो गारो को उनके पद से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने कप्तान लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल संघ से नारों के लिए माफी मांगने की बात कही थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।